यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा दिनांक 31 अगस्त 1954 को दिया गया। विषय पर दोष दर्शन। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव अपने बनाए हुए दोषों का अंत करने में प्रत्येक साधक सर्वदा स्वतंत्र है और यही साधक का परम पुरुषार्थ है। कारण कि जानने के अनुसार मानने से और मान्यता के अनुरूप करने से अपने बनाए हुए सभी दोष मिट जाते हैं और उनके मिटते ही स्वतः निर्दोषता प्राप्त होती है। जो वास्तविक मानव जीवन है यह तभी संभव होगा जब हम प्राप्त अलौकिक विवेक को ही अपना गुरु, अपना नेता तथा अपना शासक बनाए, अर्थात निज ज्ञान का उपयोग किसी और पर न करके अपने ही ऊपर करें। जो विवेक हमें अपने दोष देखने के लिए मिला है उसे पर दोष दर्शन में न लगाएं। जो बुद्धि हमें अपने को समझाने के लिए मिली है उससे अपने को ही समझाएं, तभी हम अपने नेता एवं अपने शासक बन सकेंगे। अब विचार यह करना है कि परदोष दर्शन से अपनी क्या हानि तथा अहित होता है, तो कहना होगा कि परदोष दर्शन तो दोष करने की अपेक्षा कहीं अधिक दोष है। कारण कि दोष युक्त प्रवृत्ति करने पर तो अनेक प्रकार की कठिनाइयां सामने आती हैं, अर्थात अनेक प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं। किंतु पर दोष दर्शन में कोई कठिनाई नहीं आती और न कोई भय उत्पन्न होता है, अपितु मिथ्या अभिमान उत्पन्न हो जाता है जो सभी दोषों का मूल है। यह संभव है कि किए हुए दोष का प्रायश्चित तथा प्रार्थना आदि उपचारों से निराकरण करके साधक निर्दोष हो सके, पर दोष दर्शन रूपी दोष का निराकरण तो उस समय तक संभव नहीं है जब तक कि सदा के लिए परदोष दर्शन
का त्याग न कर दिया जाए और जिसको दोषी मान लिया था उससे अपने को क्षमा न करा लिया जाए और जिसको बुरा समझा है उसको प्रेम न किया जाए, अर्थात जिसके दोषों के दर्शन किए हैं उससे क्षमा मांगना तथा उससे प्रेम करना अनिवार्य है। क्षमा मांगने का अर्थ है कि जिस भूल के लिए क्षमा याचना की है उस भूल को फिर न दोहराया जाए, और प्रेम करने का अर्थ है कि जिससे प्रेम किया है उसके हित के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया जाए। अब यदि कोई यह कहे कि जिसमें सचमुच दोष है उसके दोष को क्यों देखें, तो कहना होगा कि जिनके आप दोष देखते हैं क्या उनके किए हुए दोष का फल स्वयं भोगने को राजी है? क्या कोई पर दोषदर्शी दूसरों के किए हुए दोष को अपने द्वारा मिटा सकता है? यदि ये दोनों बातें वह नहीं कर सकता तो उसे किसी के दोष देखने का क्या अधिकार है, अर्थात कुछ नहीं। हाँ, यह अवश्य है कि जिसमें किसी को दोष के दर्शन हो वह उससे संबंध विच्छेद कर सकता है। संबंध विच्छेद का अर्थ द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, प्रत्युत संबंध विच्छेद का अर्थ है उससे विमुख होकर उसे सदा के लिए भूल जाना। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जिन्हें हम अपना प्रियजन मानते हैं यदि उनमें कोई दोष है तो क्या उनके हित के लिए हम उनका भी दोष न देखें? तो इसका उत्तर यह होगा कि यदि अपने को सब प्रकार से निर्दोष बना लिया है और प्रियजनों के दोष से अपने को घोर दुख होता है, तो ऐसी दशा में प्रियजनों को निर्दोष बनाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करना होगा। यह नियम है कि जिसके दुख से हम सचमुच दुखी होते हैं और उसका हित चाहते हैं, इतना ही नहीं उसके हित के लिए जो कुछ कर सकते हैं
उससे अपने को बचाते नहीं तो उसका सुधार अवश्य हो जाएगा। ऐसा करना तो पर दोष दर्शन नहीं है, यह तो वास्तविक सेवा है। सेवा करने का अधिकार तो सभी को है, पर दोष दर्शन का अर्थ है किसी के दोष को देखकर अपने में गुण का अभिमान करना और दोषी का तिरस्कार करना तथा उसको सदा के लिए दोषी मान लेना, जो वास्तव में प्रमाद है।